जो है अमित शाह ने एक बयान और दिया। अमित शाह ने बोला वोटर आईडी और आधार कार्ड आपके नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। भक्तों आप भी सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से ही पूछा जाएगा, आपसे ही पूछा जाएगा, आपके बाप दादाओं के प्रमाण पत्र पूछे जाएंगे। क्या हिंदुस्तान के 70-80% लोगों के पास कोई प्रमाण है? और किस तरह से मोदी मीडिया बदनाम कर रहा है, उन बातों को लेकर के मुसलमानों को बदनाम कर रहा है, इसका भी खुलासा करेंगे। इसके साथ ये भी खुलासा करेंगे कि अमित शाह और बीजेपी की चाल क्या है, खुलासा ये भी होगा। ये तो खुलासे होंगे आज, अमित शाह के बयान पर चर्चा होगी और चर्चा होगी उस बिल पर जिस बिल पर बहस चल निकली है पूरे देश में। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में इन बातों को लेकर के कि एक भंडाधार गृह मंत्री बैठा हुआ है जिसने अपनी मनमर्जी लगा रखी है देश में और जो देश को पूरी तरह से जला देना चाहता है। जी हां, आक्रोशित नहीं हूं, तेज आवाज में बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि अमित शाह साहब जो हैं आजकल शरणार्थियों पर बड़े मतलब जो शरणार्थी हैं, जो देश के रहने वाले नहीं हैं, शरणार्थी आ रहे हैं, उनकी हिमायत करने में जुटे हैं। और किस तरह से मोदी मीडिया बदनाम कर रहा है, उन बातों को लेकर के मुसलमानों को बदनाम कर रहा है, इसका भी खुलासा करेंगे। इसके साथ ये भी खुलासा करेंगे कि अमित शाह और बीजेपी की चाल क्या है, खुलासा ये भी होगा। ये तो खुलासे होंगे आज, अमित शाह के बयान पर चर्चा होगी और चर्चा होगी उस बिल पर जिस बिल पर बहस चल निकली है पूरे देश में। और ये बहस क्यों चल निकली है, एनआरसी बिल को मीडिया क्यों मुसलमानों का नाम लेकर के बदनाम कर रहा है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी अपने दिमाग की उपज, मेरी अपनी दिमाग की उपज नहीं है यार, ये आम हिंदुस्तानी की उपज है। ठीक है, शुरू करते हैं इस बयान से अमित शाह के, जिसमें अमित शाह एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक राष्ट्रप्रेमी होने के नाते, एक देश प्रेमी होने के नाते, एक गृह मंत्री होने के नाते क्या बोलते हैं, उनके कुछ शब्द सुन लीजिए। ये शब्द आपके कानों का मैल साफ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी है, ममता बनर्जी ने शुरू किया है कि भाजपा एनआरसी लाएगी, तो ये जो शरणार्थी आए हैं, धांसू मुद्दा बना, हिंदू सिख बौद्ध क्रिश्चियन जैन, वो शरणार्थियों को भी जाना पड़ेगा। मित्रों मैं स्पष्ट कर देता हूं बंगाल की जनता को, सबसे पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे जिसके तहत जितने भी शरणार्थी है, हिंदू सिख बौद्ध जैन क्रिश्चियन, वो सारों को भारत की नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहले शरणार्थियों को नागरिकता देंगे और उसके बाद घुसपैठियों को निकाल बाहर कर बंगाल को सोना बांगला बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। एक भी शरणार्थी को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है, मेरे शरणार्थी भाइयों का बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, ये भारतीय जनता पार्टी का बाल है। ये शब्द सुन लिए होंगे दोस्तों, क्या आपको कहीं से लगता है कि अमित शाह ने जो बोला आप मुसलमान बड़ को भूल जाएंगे? आप तो उनकी बात कीजिए, शरणार्थी हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो म्यांमार के आए हुए हैं, उसके बारे में कोई सफाई नहीं दी गई। मैंने पहला वीडियो डाला था बहुत पहले जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे गुजरात के, ये शरणार्थी हैं जो मुख्यमंत्री हैं हमारे देश के। जो शरणार्थी होगा वो गुजरात का क्या ध्यान रख पाएगा, वो चमचे की तरह काम करेगा नहीं करेगा?
तो इसी तरह शरणार्थियों में अपना वोट बैंक ढूंढा जा रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है। मीडिया भी यही चला रहा है, गोदी मीडिया की साजिश है कि किस तरह से मुसलमानों को बढ़ा चढ़ा करके बताओ कि साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। अब मेरा भक्तों से सवाल है कि भैया भक्तों ये बताओ, जब NRC की प्रक्रिया चलेगी और CAA की प्रक्रिया चलेगी तो आपके घर में भी लोग आएंगे ना, वो पूछने आएंगे कि जन्म कब हुआ था। हाँ, इस बीच जो है अमित शाह ने एक बयान और दिया। अमित शाह ने बोला, वोटर आईडी और आधार कार्ड आपके नागरिक होने का प्रमाण नहीं है, इसको हम साबित करेंगे कि आप नागरिक हैं कि नहीं है। तो भैया कितने हिंदुस्तानी देश से बाहर जाने के लिए तैयार हैं, हाथ उठा दो यार, कमेंट कर देना यार प्लीज। जब जब मूर्खों को उस्तरा मिला है उन्होंने अपना गला काट लिया है, यही काम ये सरकार कर रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा किस तरह से अमित शाह ने ये बिल लेके आए, क्या जरूरत थी इस बिल की। आप लेके आओगे लोगों को, भैया अपने लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे, उनको कहां से रोजगार दोगे। असम से चली है ये कहानी, असम के लोगों ने पूरे देश को जगा दिया। असल बात तो ये है, असम में NRC लागू हुई, प्रॉब्लम क्या है हम लोगों की कि दूसरे पे परेशानी आती है, कश्मीर पे परेशानी आती है, असम पे परेशानी आती है, तो हम लोग चुप बैठे रहते हैं, हम लोग कुछ बात नहीं करते, कोई सवाल नहीं करते। लेकिन जब अपने ऊपर लागू होता है तब हमको लगता है दर्द कि शायद हमारे साथ धोखा हुआ है। जिस सरकार को आपने चुना था, भक्तों आप भी सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से ही पूछा जाएगा, आपसे ही पूछा जाएगा, आपके बाप दादाओं के प्रमाण पत्र पूछे जाएंगे। क्या हिंदुस्तान के 70-80% लोगों के पास कोई प्रमाण है इस पीढ़ी में आकर के, 70 साल बाद? 70 के यार पीढ़ियां बहुत गुजर गई, पुराने लोग तो कोई डॉक्यूमेंट रखते ही नहीं थे। तो मुझे तो लगता है कि अमित शाह ने कोई सुपारी खा ली है, अमेरिका से खा ली है या पाकिस्तान से खा ली है। अब ये भी सुन रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ दरियागंज का रहने वाला था, उसको फांसी की सजा हो गई और वो कारगिल का अभियुक्त था। सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है, भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है राज्यसभा का, उसने बोला है कि परवेज मुशर्रफ को नागरिकता देने की तैयारी की जा रही है। मतलब जो आप जानो कि वो देशभक्त है या गद्दार है या देश के साथ क्या किया उसने, कारगिल में कितने लोग मारे परवेज मुशर्रफ ने, आप उसको नागरिकता देने वाले दरियागंज में। सच्चा है या झूठा है, लेकिन चलता तो है सोशल मीडिया पर, और जब सोशल मीडिया पर सच्ची बातें चलती हैं तो मोदी जी को बहुत चुभती हैं। इसीलिए इंटरनेट भी बंद करा दिया जाता है, नेट भी बंद करा दिया जाता है, लोगों की आवाज़ें दबा दी जाती हैं। मोदी जी ये उस टाइम पर क्यों ना हुआ जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब तो आपको फुल छूट थी, सारा कुछ कर रहे थे आप, होलिस्टिक मतलब उसमें आते थे ड्रामे में और आप सब कुछ करते थे। अब सरकार में इतना डर लग गया आपको कि बिल लेके आते हो तो डर डर के लेके आते हो, इतना डर क्या है आपको? इस डर की बात बता दीजिए, इस डर की पहचान बता दीजिए, या बता दीजिए कि सारे संघी कायर हैं। कायर संघियों का यही रोना होता है जो अंग्रेजों की सेवा करते थे, हम आपको अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते और पूरा इंडिया हेट करता है आपसे, आपको हमने विकासशील प्रधानमंत्री समझा था, लेकिन आप जो हैं बर्बाद प्रधानमंत्री निकले। और अमित शाह जैसा व्यक्ति जो खुद तड़ी पार रहा हो वो हमसे पूछेगा? हमने तो लठ रख रखा है, कोई सारा पूछने आ गया ना, एक देंगे रसीद करके कि हमसे हमारे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांग रहे हो। भक्तों को लग रहा है केवल मुसलमानों से सबूत मांगा जाएगा, बेटा तुमसे भी सबूत मांगा जाएगा, बच्चों तुमसे भी सबूत मांगा जाएगा, लेकिन शरणार्थियों के प्रति प्रेम कितना है यह समझ में आ रहा है अमित शाह का। देश के लोगों से प्रेम नहीं है, देश के युवा बेरोजगार हैं उनसे प्रेम नहीं है, लेकिन अमित शाह का प्रेम झलक रहा है उनके शब्दों में कि किस तरह की आग इन्होंने देश में भड़का दी है, किस तरह की चीजें इन्होंने देश में फैला दी है। क्या आप इनसे सहमत हैं दोस्तों? क्या आप इनको सपोर्ट करेंगे दोस्तों? क्या भक्तों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सारे भक्तों का मतलब अब थोड़ा सा अलग हो गया है सोचना, लेकिन सोचिए जब आपके पास आएंगे क्या आप सबूत दे पाएंगे कि आप भारत के नागरिक हैं? ये सुनकर खुश मत होइए कि मुसलमानों से मांगा जाएगा, ये सुन के थोड़ा दुखी हो जाइए कि आपसे भी पूछा जाएगा। देश का कानून सबके लिए बराबर होता है, जो संसद में पास होता है वो संसद में
जब पास हो जाता है एक बार तो कानून की एजेंसियां और पुलिस वही सवाल आपसे पूछेंगी जो सवाल पूछने के लिए सरकार आपसे कहेगी। ये मनमाना कानून, ये मनमानी चीज कब तक चलेगी? अमित शाह जी क्यों, किस लिए लेकर के आए इस टाइम पर बिल? चलिए आपकी मर्जी है, सरकार आपकी है, आप बहुमत के नशे में चूर हैं, खरीद सकते हैं, ईवीएम खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, कीजिए जो कुछ करना है, लेकिन देश कहीं आपको सड़कों पे दौड़ना ले। अमित शाह साहब नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा।